जी तो आज हम कैनन R6 का जो है टेस्ट करने वाले हैं, रियल लाइफ में इसकी परफॉर्मेंस को चेक करने वाले हैं। जो यहाँ पर जो है कैनन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है कैनन R6 को एक लाइन में एक्सप्लेन करता है कि आप जो है जैसे भी शूट करते हो, जो भी शूट करते हो, कैनन R6 जो आपको ऐसी पिक्चर क्वालिटी, ऐसी क्रिएटिव पिक्चर क्वालिटी देगा कि आपकी सोच में भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है कैनन ने बहुत बड़ी और बहुत डीप बात कर दी है, तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं कि वाकई ही ये बात सच है या गलत है। तो आज हम इस कैमरे का टेस्ट करने वाले हैं इंडोर ब्राइडल शूट में, स्टूडियो ब्राइडल शूट में, आउटडोर ब्राइडल शूट में और जो है वेडिंग हॉल ब्राइडल शूट में। तो आज की वीडियो के हमारे 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आपको इसकी बेस्ट सेटिंग बताऊंगा जिसके ऊपर जो हम शूट करेंगे। आप किसी और कैमरे के ऊपर भी जो उस सेटिंग को यूज करेंगे तो आपकी पिक्चर क्वालिटी सेम मेरी पिक्चर क्वालिटी की तरह जो है वो आएगी। फिर दूसरे नंबर पर जो हम इसकी फोटोग्राफी का टेस्ट करेंगे हर तरह की लाइट सिचुएशन में, और तीसरे नंबर पर आपको इसके मेन की फीचर बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और चौथे नंबर पर आपको इसकी न्यू एंड यूज में प्राइस बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ से आपने जो है इस कैमरे को फोटोग्राफी के मैनुअल मोड में डालना है। जी तो चलिए दूसरे नंबर हम बात कर लेते हैं कि हम क्या सेटिंग यूज करने वाले हैं फोटोग्राफी टेस्ट में, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ये वाला बटन दबाना है, इससे आपकी सारी सेटिंग जो है वो सामने आ जाएगी। यहाँ पर जो पिक्चर स्टाइल जो है वो पोर्ट्रेट यूज कर रहे हैं, वाइड बैलेंस कैल्विन यूज कर रहे हैं, ऑटो जो इसका एक्टिव डे लाइट है उसको जो हम हाई के ऊपर जो है वो यूज कर रहे हैं, और सेम इसी तरह AF को हम ट्रैकिंग मोड के ऊपर रख रहे हैं, और जब वन शॉट के ऊपर यूज कर रहे हैं। इसके अलावा ये मीटरिंग को हम जो है एवेल्युएशन मीटरिंग के ऊपर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसकी इमेज क्वालिटी है उसको आप जो है JPEG लार्ज के ऊपर, या आप अगर रॉ यूज करना चाहते हैं तो आप रॉ के ऊपर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी कलर स्पेस है उसको जो हम sRGB यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर जो है इमेज स्टेबिलाईजेशन मोड आता है उसको आपने जो है लाजमी ऑलवेज ऑन के ऊपर जो है दोनों के ऊपर रखना, IS मोड को भी और डिजिटल IS को भी और स्टिल फोटो IS को भी, तीनों को जो है आपने ऑलवेज जो है वो ऑन रखना है। आज के सारे टेस्ट के अंदर जो है हम कैनन R6 के साथ जो है सिग्मा का 105mm 1.4 लेंस जो है वो यूज करने वाले हैं, और यहाँ पर जो हम इस कैमरे को फुल लो लाइट में शाम के 6 बजे जो है टेस्ट करने वाले हैं कि इसकी लो लाइट में परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है। पहले नंबर पर हम देखने वाले हैं कि आपके ब्लर एंड बुके किस तरीके के आते हैं लो लाइट में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने जो है एक पोर्ट्रेट खींच के जो है टेस्ट किया है, और यहाँ पर आप देखें तो ब्लर एंड बुके बहुत अच्छा है, जो कि 105mm की वजह से भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो आपके कैमरे के सेंसर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, आपके ब्लर एंड बुके कितने अच्छे आएंगे और कितने ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पर आप देखें बहुत अच्छा जो है एक बैकग्राउंड जो है निकल कर आया है। और दूसरी पिक्चर में हमने इस कैमरे की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड को टेस्ट करने की ट्राई की, जिसे कैनन बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है, और यहां पर अगर आप देखें तो हमारा जो ग्रूम है वो भी मोशन में है, हमारी ब्राइड भी मोशन में है, और यहां पर अगर हमारी पिक्चर और हम लाइव मोड पे भी खींच रहे हैं और यहां पर अगर हमारी पिक्चर अच्छी आ जाती है तो इसका मतलब है बहुत ही यानी कि कमाल का जो है इसकी कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड है। तो यहां पर हमने पिक्चर को जूम करके देखा, हमारी पिक्चर शेक नहीं है, हमारी पिक्चर ब्लर नहीं है, बहुत ही अच्छा फोकस आया है हमारा जो है यानी कि मोशन के अंदर। तो इसकी जो कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड है उसको जो 10/10 मार्क्स दूंगा। तो यहां पर अब हम जो इसी नंबर पर टेस्ट कर लेते हैं कि इस कैमरे को अगर हम लो लाइट में टेस्ट कर रहे हैं, जो बड़ी वजह जो हमारी आती है कैमरे में मसला आता है लो लाइट में वो ये है कि ग्रेन आते हैं आपके कैमरे की पिक्चर के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखें इस जो पिक्चर के निकल कर आई है उसके अंदर जो आपको बहुत 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 माइनर जो है वो ग्रेन देखने को मिल रहे हैं, वो भी जो है वो थोड़े डार्क पार्ट के अंदर जो है, लेकिन बहुत अच्छा है, यानी कि आपका अगर इतनी लो लाइट के अंदर भी आपको जो है इतनी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है तो इस कैमरे को जो है आप इसके सेंसर को, इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस को इसके जो है 10/10 मार्क्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने इस कैमरे को जो है वेडिंग हॉल में वेडिंग स्टेज के ऊपर जो है वो टेस्ट करने की ट्राई की है। आपको पता है स्टेज के ऊपर जो आपको डिफरेंट कलर की जो है डिफरेंट डिफरेंट लाइट जो है वो मिलती है, जिसमें जो है आपकी मिक्स तरीके की लाइट होती है। यहाँ पर जो हमने खुद से AD600BM भी साथ में यूज़ की है। तो यहाँ पर पहली पिक्चर जो हमारी निकल कर आई इसमें देखें मिक्स लाइट के अंदर इस कैमरे की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है, यानी कि आपकी जो आपके फेस के ऊपर आपने जो BM लाइट जो है बाउंस करवाई है उसका काफ़ी अच्छा जो है एक फैक्ट आया है, और यहाँ पर जो बाकी सारी लाइट्स को जो है मिक्स होकर बहुत ही अच्छी जो है पिक्चर जो है निकल कर आई है। और दूसरी पिक्चर यहाँ पर जो हमने टच फोकस को टेस्ट करने की ट्राई की, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको टच फोकस करना ही नहीं पड़ता, इसका फोकस इतना फास्ट है जैसे ही आप जो है ऑब्जेक्ट को
जो है आप कैमरे को ऑन करते हैं, ऑब्जेक्ट सामने आता है, ये जो है फेस को ट्रैक कर लेता है, आई को ट्रैक कर लेता है, तो आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ जब आपने फोकस शिफ्ट करना होता है तब आपको जो है वो टच फोकस करना पड़ता है, वरना आपका फोकस जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो हो जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो खुद ब खुद ही कवर कर लेता है, आपको टच फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके फोकस को जो है मैं 10/10 मार्क्स दूंगा। अब बात आ जाती है इसके फोकस ट्रैकिंग की, मतलब आप जो है जब आई को एक बार ट्रैक कर लेता है तो यहाँ पर जो है कितनी देर ट्रैक रखता है, यहाँ पर बार बार शिफ्ट करता है, तो यहाँ पर जितना मैंने इसे यूज़ किया है, काफ़ी दिन मैंने इसे यूज़ किया है, ये जब भी एक बार आई को ट्रैक कर लेता है उसके बाद जो है अगर आप जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है मूव भी कर रहा है फिर भी ये आई को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है ट्रैक करके रखता है और जो है फेस को डिटेक्ट करके रखता है, तो यहाँ पर जो आई ट्रैकिंग और इसकी जो फेस ट्रैकिंग है वो बहुत ही अच्छी है, जिसको जो है मैं 10/10 जो है मार्क्स दूंगा। फिर यहाँ पर जो हमने इस कैमरे को जो है वो रूम लाइट के अंदर जो है वो टेस्ट करने की ट्राई की है, हमने दो एक्सटर्नल लाइट जो है यहाँ पर यूज़ की है, एक जो है फ्लैश लाइट जो कि राइट साइड से यूज़ की है, दूसरी जो है 8600 BM लाइट जो कि लेफ्ट साइड से हमने जो है वो यूज़ की है। तो यहाँ पर जो हमने ये टेस्ट करने की ट्राई की है, मेरा हाथ थोड़ा थोड़ा शेक हो रहा था, ये टेस्ट करने की ट्राई की है कि इसकी वाइब्रेशन रिडक्शन कैसी है, मतलब आपका हैंड जो है शेक हो भी जाए तो ये पिक्चर को कवर कर लेता है कि नहीं कर लेता। तो यहाँ पर इसके अंदर जो है 5 एक्सिस इन बॉडी स्टेबलाइजेशन डाली गई है जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करती है, आपका हाथ अगर शेक हो भी जाता है तो पिक्चर आपकी फुल शार्प जो है वो निकल कर आती है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर मैंने ये टेस्ट करने की ट्राई की है कि अगर आप जो है ब्यूटी शॉट या ब्राइडल के जो है हेड शॉट या ज्वेलरी का शॉट लेना चाहते हैं इसके अंदर तो आपकी पिक्चर क्वालिटी कैसी निकल कर आएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1, 2, 3 नहीं, मैंने काफ़ी ज़्यादा इस कैमरे से शूट जो है वो निकाले हैं जिनके अंदर जो है मुझे ब्राइडल की फोटोग्राफी के अंदर ये कैमरा बिल्कुल परफेक्ट नज़र आया है। आपकी जो है ब्यूटी शॉट के अंदर आपकी कलर टून बहुत अच्छी निकल कर आती है, शार्पनेस बहुत अच्छी निकल कर आती है, तो इस वजह से जो है ये कैमरा जो है बिल्कुल परफेक्ट है एक ब्राइडल का फोटो शूट करने के लिए, एक ब्राइडल के क्लोजअप हेड शॉट लेने के लिए। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर हमने ये टेस्ट करने की ट्राई की है कि अगर जो है इस कैमरे को हम सारा जो है लाइव मूड पर ही यानी कि शूट करते हैं तो कैसा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर हमें पहले कैमराज के अंदर जो है वो व्यू फाइंडर के अंदर देख कर जो है वो हमें शूट करना पड़ता था, लेकिन जो है अब इस कैमरे के अंदर आपको व्यू फाइंडर के अंदर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर आप सेम मोबाइल की तरह जो है फोटो शूट कर सकते हैं लाइव मूड के अंदर, जो आपको कोई भी परेशानी नहीं आती, आपकी कोई लैग नहीं आता, आप जैसे ही क्लिक करते हैं फ़ौरन 1 सेकंड के अंदर आपका क्लिक हो जाता है और जो आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी निकल कर आती है, शार्पनेस कलर टून हर चीज़ परफेक्ट निकल कर जो है वो आती है। तो यहाँ पर जो हमने इस कैमरे को जो है इंडोर स्टूडियो के अंदर जो है वो टेस्ट करने की ट्राई की है, जहाँ पर जो आप ज़्यादा फैशन का फोटो शूट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने जो है पहली पिक्चर के अंदर जो है इस कैमरे की डेप्थ ऑफ फील्ड को टेस्ट करने की ट्राई की है, यहाँ पर हमने सेम वही लाइट दोनों तरफ से जो है TT600 और AD600 दोनों को जो है सॉफ्ट बॉक्स के साथ जो है वो यूज़ किया है। तो यहाँ पर पहली पिक्चर अगर आप देखें तो हमें डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी अच्छी मिलती है, काफ़ी अच्छी जो है हमें क्वालिटी मिलती है, हाईलाइट शेडोज़ के अंदर जो है काफ़ी अच्छी डिटेल मिलती है, मतलब यह है कि आप जो काफ़ी हाई लेवल के हाई एंड लेवल के फोटोशूट जो है वो आप स्टूडियो के अंदर जो है इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो हमने ये टेस्ट करने की ट्राई की है कि यहाँ पर ये जो कैमरा है इसकी क्वालिटी कैसी निकल कर आती है, मतलब आपकी पिक्चर जो है अगर आप उस पिक्चर को प्रिंट करते हैं या जो है आप जो काफ़ी बड़ा बिलबोर्ड के ऊपर जो है वो लगाना चाहते हैं तो आपकी क्वालिटी कैसी होगी। तो यहाँ पर इसकी जो पिक्चर है वो आपको जो है 7 से 10 MB के दरमियान मिलती है, जो कि थोड़ी लो है। यहाँ पर जो आपके जो निकॉन के जो बेसिक कैमराज हैं उनके अंदर आपको जो है तकरीबन 10 MB की पिक्चर जो है मिल जाती है, 10 से 15 MB की, जिसके ऊपर जो है वो कैनन को थोड़ा काम करना चाहिए। इसकी पिक्चर जो है तकरीबन जो है 20 से 25 MB की आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है कैनन को इसके ऊपर जो है थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये जो हमने पिक्चर को टेस्ट करने की ट्राई की है कि यहाँ पर जो है इस कैमरे की कलर साइंस कैसी है, तो यहाँ पर सेम वही कलर साइंस जो कि कैनन की चलती आ रही है, सेम वही इसकी कलर साइंस है, आपको सेम उसी तरह की कलर ट्यून जो है इसके अंदर देखने को मिलती है, यानी कि कैनन की जो लाइट जो है कलर टून होती है सेम वैसी आपको कलर टून जो है वो देखने को मिलती है, जो कि अच्छी लगती है। इसकी कलर टून काफ़ी अच्छी है आम जो है आपके कैमराज के नस्बत, जिसको जो है आपको एडिट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, यानी कि आप एडिट किए बगैर भी अपने कस्टमर को वर्क जो दे सकते हैं।
फिर चलिए तीसरे नंबर पर जो हम इस कैमरे के की फीचर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये 20 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम कैमरा है जिसके अंदर जो है डिजिक एक्स प्रोसेसर, जो लेटेस्ट प्रोसेसर कैनन का आ रहा है, वो जो है वो यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो है वो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस 2 डाला गया है। 1 जो है वो आपकी पुरानी बॉडीज में आता था, लेकिन इसके अंदर उसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो 2 डाला गया है। तो यहाँ पर इसका जो ऑटो फोकस ट्रैकिंग सिस्टम है वो बहुत फास्ट है, जो कि ह्यूमन को, एनिमल को, इसके अलावा बर्ड्स को, इसके अलावा जो ट्रैकिंग या मोशन में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको बहुत अच्छे से जो है कैप्चर करता है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो ऑटो फोकस पॉइंट है वो 1053 जो ऑटो फोकस पॉइंट है। तो इसके अलावा इसका जो ISO है उसको आप जो है 2,48,000 तक जो है बढ़ा सकते हैं। तो इसके अलावा इसकी जो मैक्सिमम शटर स्पीड है वो 1/8,000 तक जो है वो जा सकती है। तो यहाँ पर इसकी जो LCD है वो टच एंड रोटेट LCD है, जिसको आप किसी भी तरफ जो है घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बॉडी है ये डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ बॉडी है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो डुअल कार्ड की आपको स्लॉट भी मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आप जो है लाइव मोड के ऊपर फोटोग्राफी करते हैं तो इसकी बैटरी जो आपको 500 शॉट जो है वो देती है। तो इसके अलावा अगर आप जो है व्यू फाइंडर के अंदर देखकर जो फोटोग्राफी करते हैं फिर जो है आप 380 शॉट जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए चौथे नंबर पर जो इस कैमरे की न्यू एंड यूज में प्राइस की बात कर लेते हैं। अगर आपने न्यू में बाय करना है तो आपको जो है 2,500 का कहीं से भी ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाएगा। जो अगर आप जो है यूज में बाय करना चाहते हैं तो आपको 2,000 के राउंड बोर्ड जो है कंडीशन के हिसाब से कहीं से भी मिल जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाजमी कमेंट में बताइएगा। जो मैंने पिक्चर निकाली है उन सबको जो कमेंट में लाजमी रेट कीजिएगा। इसके अलावा जो पिक्चर मैंने सारी बनाई है इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी तरफ से कॉपीराइटेड फ्री है, आप इन्हें अपने किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है एडिट करके यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो तक के लिए बाय।